आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत रत्न। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर। आपका तीसरा प्रश्न है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। आपका चौथा प्रश्न है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। आपका पांचवा प्रश्न है, दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। आपका छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। आपका सातवां प्रश्न है, साइबर क्राइम का शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1930। आपका आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरक्षा आपका संकल्प हमारा। आपका नौवां प्रश्न है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रुप ऑफ 20। आपका दसवां प्रश्न है, ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य में शुरू किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आपका ग्यारहवां प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालदीव। आपका बारहवां प्रश्न है, टोक्यो निम्नलिखित में से एशिया के किस देश की राजधानी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। आपका तेरहवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलोराडो नदी। आपका चौदहवां प्रश्न है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरब सागर में। आपका पंद्रह प्रश्न है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे लोकप्रिय कला शैली है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम में।